अब इसके आगे की बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो शायद दुनिया में पहली बार मैं ही कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे ये आगे, आइंदा बहुत लोग कहेंगे, आइंदा चंद सालों में, इस वक्त मैं कह रहा हूं वो भी मैंने कही थी तब सिर्फ, कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे फासिज्म आ रहा है, वन पार्टी रूल, इससे अलग कि बिहार का इलेक्शन ये जीते या हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परसेंटेज ऑफ वोट हर जगह इनकी बढ़ती चली जाएगी जितने पिछले मिले थे, जब वो परसेंटेज ऑफ वोट 60% को क्रॉस कर जाएगी, अभी तो 35 पे इलेक्शन जीतते हैं ना, जब आवाम की अक्सरियत उन्हें मालूम हो जाएगी अब हमारे साथ है हर स्टेट में, और होगी वो, तो उस वक्त ऐलान होगा वन पार्टी रूल का, नो अपोजिशन, अब ये है, यहां पर का नाम फैसिज्म नहीं आएगा, यहां फैसिज्म आ रहा है हिंदुत्व के नाम से, इसे होना है, ये आ रहा है, इसे आप रोक नहीं सकते, ये काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है उस रेवोल्यूशन से पहले जो आगे आना है, जिसकी खबर कुरान ने दी है। मकसद क्या है उस वन पार्टी रूल का या हिंदुत्व का, उनके कल्चर को ले लीजिए, आप दो नंबर के शहरी बनकर रहिए, रहिए, नमाजें पढ़िए, कोई नहीं रोकेगा, जकात भी दीजिए, लेकिन बाकी कल्चर लीजिए और दो नंबर के शहरी रहिए। गुजरात के मुसलमान उनके साथ हो गए ऑलरेडी, जिनके साथ ये सारा जुल्म हुआ था आज वो उनके साथ हो गए, इसलिए कि मैसेज पहुंच गया उन्हें, पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के मुसलमान सबसे ज्यादा साथ हैं उनके, उनको मैसेज पहुंच गया कि हम ऐसे ही जिएंगे, हम ऐसे खुश हैं, हम ऐसे ही सेफ हैं, तो आपको नंबर दो पर रहना है, और आप इसे रोक नहीं सकते, ना अपनी पार्टी बना लीजिए, अपनी पार्टी लड़ लीजिए कुछ इलेक्शन उसके नाम पर, कुछ आपके एमपी मिल जाएंगे आपको मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया में, कुछ एमएलए मिल जाएंगे, हिंदू वोट और कंसोलिडेट होकर न्यूट्रल उनके साथ और चले जाएंगे, उनका पर्पज और सॉल्व हो जाएगा, ये रुकने नहीं जा रहा, और अजाब की खबरें, इससे आगे कोई अजाब होता है, ये काउंटर रिवॉल्यूशन आता है पहले, कट्टर कभी नहीं थे ये, बहुत अच्छे लोग हैं वाकई, जिन्हें कहते हैं सहिष्णुता वो इनमें आज भी है इनके अवाम में, इसलिए कि हम तो आज भी अंदर जाते हैं ना, हम जानते हैं, आपके पास खबरें तो कुछ उस ग्रुप की जो ज्यादा बहुत शदीद शिद्दत करता है उसकी फैलाई भी कुछ चीजों की आती है ना, लेकिन होते जा रहे हैं ये न्यूट्रल लोग भी, जहन उनके खराब होते चले जा रहे हैं, तो अब वो लोग जो इतने कट्टर नफरत करने वाले हों, ये कट्टर नफरत करने वाले आते हैं तो ख्यारकुम फिल जाहिलिया ख्यारकुम फिल इस्लाम, हजरत उमर का यहां पर जिक्र चल रहा था ना, तो उमर उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से जो लोग कुफर में अच्छे थे वो इस्लाम में भी अच्छे होंगे, वहां पर अगर कोई शिद्दत से आगे बढ़ने वाले थे तो शिद्दत से आगे बढ़ने वाले यहां आने के बाद भी होंगे, इनके लिए लिखा हुआ इन्हें आना है, आपको क्या करना है, इसी अजाब में रहना है, इस अजाब से कुछ लोग बचेंगे, कुरान ने कहा है।